हार्दिक स्वागत और अभिवादन। यह YouTube का लर्निंग लोकस चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आज 22 दिसंबर 2019 का करंट अफेयर्स प्रस्तुत किया जा रहा है। आज कुल 7 टॉपिक्स है जिन्हें हम 7 प्रश्नों की सहायता से समझेंगे। शुरू करते हुए पहला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इसका उत्तर है चेन्नई में। चेन्नई में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, नाम ही है इसका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कॉन्टेक्स्ट यह है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 215 दिन में 3000 कोच का निर्माण कर दिया है, जो एक रिकॉर्ड है, इसलिए नाम सामने आ रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का। अगर आगे बात करते हुए करें तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने वंदे भारत एक्सप्रेस, जो अभी आप जानते हैं उसका पुराना नाम ट्रेन 18 था, देखिए यहाँ पे चित्र में, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने ही। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वंदे भारत जैसे ट्रेन का दाम है 250 करोड़, किंतु ICF ने 100 करोड़ में ही निर्माण कर लिया है ट्रेन 18 अर्थात वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे ट्रेन का। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 2 पे, स्पेस फोर्स की शुरुआत किस देश ने की है? हमने पहले कवर किया हुआ है, जब अमेरिका ने घोषणा किया था कि स्पेस फोर्स बनाएगा तो इसकी शुरुआत हो गई है कल स्पेस फोर्स की अमेरिका में। जिस दूसरे देशों में भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी होती है, वैसे ही अमेरिका में अब स्पेस फोर्स भी होगा, किंतु शुरू में स्पेस फोर्स एयरफोर्स के अंदर काम करेगा, इसके अधीन काम करेगा अभी का स्पेस फोर्स। स्पेस फोर्स का यह मतलब नहीं है कि यह फोर्स स्पेस में रहेगी, किंतु इसका मतलब यह है कि स्पेस रिलेटेड जितने भी काम होंगे उन सब वह सब जिम्मेवारी होगा स्पेस फोर्स का। तो इस तरह से अमेरिका पहला कंट्री है दुनिया का जिसने स्पेस फोर्स का गठन कर लिया है, इंडियन स्पेस फोर्स का गठन कर लिया है एयरफोर्स के अधीन। 3 नंबर प्रश्न पहुंचते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे। प्रश्न है, यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है चार्ल्स माइकल, चित्र में देखिए जो पुरुष हैं चार्ल्स माइकल, यह है यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष। आप ये चित्र देख रहे हैं, चित्र में जितना ब्लू करके दिया हुआ है यह पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। हम देख रहे हैं अभी यूरोपियन यूनियन के बारे में ठीक से, यूरोपियन यूनियन में ही एक भाग होता है जिसको बोलते हैं यूरोपियन परिषद, तो उसके अध्यक्ष बने हैं नए, नाम है चार्ल्स माइकल, जिसको प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, और यही कॉन्टेक्स्ट है इसका। तो हम कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ कुछ और भी बातें पता करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। पहले यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी 1993 में, इसमें अभी 28 देश हैं, एक देश यूके जिसका ब्रेग्जिट आप सुनते हैं ब्रेग्जिट होना है, तो ब्रेग्जिट होना है 31 जनवरी 2020 को, तो अभी हम 28 की ही बात करेंगे जिसमें यूके भी शामिल है। अब फिर से आते हैं यूरोपियन यूनियन पे, स्थापना हुई थी 1993 में, इसके अंग हैं यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इस तरह से कुल 7 इसके अंग हैं यूरोपियन यूनियन के। अब यूरोपियन कमीशन, जो चित्र ये महिला का चित्र है, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा है, इनका नाम है उर्सुला वंडर लेन, लिख देता हूँ मैं इंग्लिश लिखा उर्सुला ओन डर स्पेस रहेगा, सही लिखा हूँ मैं बिल्कुल LEYEN। यह नाम है यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट का, आप समझ सकते हैं ना, मैं इसलिए अंग लिखा बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा, जब पूछा जाएगा प्रश्न में कि यूरोपियन परिषद के प्रेसिडेंट कौन है तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अभी यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, नाम है उर्सुला WN1 डर लेन, किंतु काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन यह है यूरोपियन परिषद है, इस परिषद के अध्यक्ष बने हैं चार्ल्स माइकल, आपको समझ में आ गया होगा अभी।
कॉन्टेक्स्ट क्या था और क्यों हमने यूरोपियन एम्पायर में डिस्कस किया। 66th 66वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स कौन प्रदान करेंगे? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रदान करेंगे इस अवार्ड को 23 दिसंबर को, अर्थात कल इसे प्रदान करने वाले हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। बहुत ही अच्छे से देखना है किसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है, यह भी चेक करेंगे। और साथ में ही हमने देख लिया वेंकैया नायडू इसे प्रदान करने वाले हैं। इस अवार्ड के तहत सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। इसमें यह 50वां नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड होगा और इसे हासिल करेंगे अमिताभ बच्चन, हासिल करेंगे 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड को। थोड़ा पीछे बात करते हैं, 49वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? तो हम आप कहेंगे विनोद खन्ना को मिला था 49वां, पिछले साल मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड। यह जो अवार्ड है 66th नेशनल फिल्म अवार्ड, यह 2018 साल के लिए है, 2018 तक में जो पिक्चर्स थे उनके लिए है। तो आपको जो नाम मिलेंगे पुराने पुराने नाम मिलेंगे, डेफिनेटली एक साल पुराना पिक्चर्स का अब किया गया है। इस अवार्ड को देने की जो एजेंसी है, याद रखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स देती है इस अवार्ड को। और यह काम करती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर। फेस्टिवल्स समझ गए होंगे, इस अवार्ड को हर साल प्रदान करती है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। और 2018 का अवार्ड है यह, और 50वां मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को, 49वां मिला था विनोद खन्ना को, राइट। हमने पहले भी डिस्कस किया है जब घोषणा हुई थी अवार्ड की, लेकिन अब दी जाएगी इसलिए फाइनल इसका फिर से दोबारा एक कहते हैं रिपीट है। इसमें जो चुना गया है जो बेस्ट पिक्चर है, बेस्ट पिक्चर है हेलारो, बेस्ट पिक्चर है हेलारो, यह एक गुजराती पिक्चर है। तो हेलारो को मिला है बेस्ट पिक्चर का, मिलेगा बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात कर लें, बेस्ट पॉपुलर फिल्म तो ये नाम होगा बधाई हो का, पिक्चर का नाम है बधाई हो, ये होगा बेस्ट पॉपुलर फिल्म। तीसरी बात करते हैं, अगर हम बेस्ट फिल्म और ऑन सोशल इशू पे बात करते हैं तो पिक्चर का नाम है पैडमैन, पैडमैन है बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू। आप देख रहे हैं बिल्कुल जो जो अवार्ड है उनको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आएगा तो एक भी प्रश्न छूटना नहीं है इसका। इस चैनल का यही लक्ष्य है, जब हम पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ेंगे। बेस्ट डायरेक्टर कौन, किन्हें दिया जाएगा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड? आदित्य धर को दिया जाएगा, आदित्य धर को मिलेगा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। पिक्चर है उड़ी, उड़ी पिक्चर के निर्देशन के लिए बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिलेगा आदित्य धर को। पांच नंबर पे पहुंचते हुए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिलेगा? बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर किया है दोनों ने, ये है विक्की कौशल और ये है खुराना, इनका नाम है आयुष्मान खुराना। तो इन दोनों को मिलेगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड। विक्की कौशल का पिक्चर है उड़ी, उड़ी के लिए, और इनका अंधाधुन पिक्चर है उसके लिए। इस तरह से दो लोगों को चुना गया है बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए। तो इस तरह से पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी मिलेगा, चित्र में देख रहे हैं ये हैं कीर्ति सुरेश, साउथ इंडिया की ये हीरोइन है तेलुगु फिल्म की, तेलुगु फिल्म है महानाटी, पिक्चर का नाम है MAANAATI। इस पिक्चर के लिए इनको मिलेगा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, नाम है इसका इनका कृति सुरेश। आगे बढ़ते हुए बेस्ट फिल्म और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बात करें, कैटेगरी है बेस्ट फिल्म और ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। तो पिक्चर का नाम है पानी, यह एक मराठी फिल्म है। इस पिक्चर को दिया जाएगा बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे। और एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तराखंड,
उत्तराखंड को डिक्लेयर किया गया है इस अवार्ड में, मोस्ट अवार्ड में बताया गया है, तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड है उत्तराखंड। इस तरह से आपने देख लिया 66th जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स होना है जिसे देती है डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल्स, इसमें किस पिक्चर को, किस हीरो को, किस हीरोइन को प्रथम, सब कुछ बता दिया मैंने जो इसमें कवर होना है, देंगे इसे हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल। किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में एक कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? इसका उत्तर है इथियोपिया ने। एक कृत्रिम उपग्रह है जिसका नाम है ETRSS, इथियोपिया, ईटी से हो गया इथियोपिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इस उपग्रह का नाम है ETRSS। बेसिकली इस उपग्रह को बनाया है इथियोपिया और चीन दोनों के वैज्ञानिकों ने, और आगे बढ़ते बताएं तो एक तरह से चीन ने ETRSS उपग्रह को गिफ्ट दिया है, गिफ्ट के रूप में दिया है इथियोपिया को। आगे बढ़ते हुए चीन ने ही चीन से एक लॉन्चर जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 4B कैरियर CARRIER रॉकेट, लॉन्ग जिस तरह हमारे यहाँ PSLV ASLV होता है, GSLV होता है रॉकेट लॉन्चर, वैसे ही तो यह है लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट। इसकी सहायता से ETRSS को प्रक्षेपित किया है चीन ने, चीन से इथियोपिया के लिए है, इथियोपिया को गिफ्ट दिया है जिसे इथियोपिया और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है चीन में। आप नाम समझिए ETRSS। इथियोपिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का 11वां देश हो गया है इस तरह से इस उपग्रह को लॉन्च करके। सबसे पहला देश था इजिप्ट, जिसे हिंदी में बोलेंगे मिस्र। मिस्र पहला देश था जिसने, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ से पहला देश था जिसने वो किसी उपग्रह को लॉन्च किया था। अभी इथियोपिया हो गया है 11वां नंबर का देश है। अब ETRSS क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म तो देख लिया हम लोगों ने, इथियोपिया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट। यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए अर्थात अफ्रीका के दूसरे देशों के लिए भी मॉनिटर करेगा और एनालिसिस करेगा एग्रीकल्चर का इन्वायरमेंट को, ड्रॉट को, नेचुरल कलामिटीज को, मिनरल एक्सप्लोरेशन में सहायता करेगा, वेदर फोरकास्टिंग में सहायता करेगा और क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेगा। तो बहुत से पर्पसेस हैं जिनके लिए ETRSS को लॉन्च किया है इथियोपिया ने चीन के सहायता से। तो इस तरह से आपने 5वां नंबर टॉपिक देख लिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अफ्रीकी देश ने लॉन्च किया है, और इसका नाम भी पूछा जा सकता है, और साथ में इस ETRSS का काम बता दिया मैंने। 5G का परीक्षण कब होना है? होना है जनवरी मार्च के दौरान होना है, यह हमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने बताया है कि 5G का परीक्षण हो सकता है जनवरी मार्च के दौरान। यह इन्फॉर्मेशन के लिए है, अर्थात हमारे पास अब जो हम 4G यूज करते हैं 5G अगले साल से यूज कर सकते हैं, इसलिए रखा 6th नंबर को। 7th नंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस है आज, आज हम मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। और यह चित्र है रामानुज की चित्र है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं रामानुज जी के जन्मदिन के अवसर पर। इनका पूरा नाम है श्रीनिवास अयंगर रामानुज, रामानुज के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म आज के ही दिन 1887 में हुआ था, रामानुज का जन्म हुआ था 1887 में 22 दिसंबर को। हम मनाना शुरू किए हैं राष्ट्रीय गणित दिवस 2012 से, जब इनके जन्म का 125वां साल था, तब से हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री ने शुरू किया 125वें जन्मदिन के अवसर पर हर साल जन्मदिन मनाना, रामानुज जी का नाम देगा राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में 2012 से। तो इस तरह से आज केवल 7 टॉपिक्स थे, आशा है ये टॉपिक्स आपके परीक्षा के उपयोगी होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।